नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अपनी मांगों को लेकर के आशा वर्कर आज भी लगातार हड़ताल पर रही। सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आशा वर्करों ने चली आ रही अपनी 4 दिवसीय हड़ताल को और 4 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। धरना और प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने यह साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो मुमकिन है कि उनकी हड़ताल आगे आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाए। उन्होंने कहा पूर्व में जारी किया गया नोटिफिकेशन भी सरकार ने अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है। आशा वर्करों ने आज अपनी हड़ताल को 4 दिन के लिए आगे बढ़ाते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। आशा वर्करों की मुख्य मांगों में COVID-19 के सर्वे में हुए आशा वर्करों को 4,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए। पूर्व में नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि उन्हें लागू किया जाए। आशा वर्कर की जगह हेल्थ वर्कर का दर्जा भी दिया जाए। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। ये जो हमारी हड़ताल है, हमारे राज्य कमेटी के आह्वान पर सभी जिलों ने अपने हड़ताल जिलों में जारी की है। तो हमारी सबसे मुख्य मांग ये है COVID-19 में सर्वे करते हुए आशा को 4,000 जोखिम भत्ता दिया जाए। दूसरी मांग ये है 21 जुलाई 2018 को हमारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उसमें सरकार ने हमारी 8 गतिविधि का 50% सरकार हमें नहीं दे रही है। तीसरी मांग हमारी ये है हमें आशा वर्कर की जगह हमें हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए। और चौथी मांग ये है हमारी कि जो ये प्रोग्राम अगर हमेशा चलने वाला है, जच्चा बच्चा हमेशा रहने वाली है, लोगों को सुविधाएं हमेशा देने की जरूरत है, तो हमारे प्रोग्राम को स्थायी बनाया जाए। तो आपने मांगे कहाँ दिए जी? ये मांगे हमने हमारे यहाँ CMO के माध्यम से हमारे मिशन डायरेक्टर को भेज रखी है जी। तो अभी तक हमारी अगर सुनवाई नहीं होती तो ये हड़ताल हमारी लंबी चल सकती है। स्टेट कमेटी के आह्वान पर ये हड़ताल हमारी 4 दिन आगे बढ़ा दी गई है। अगर फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनती तो ये हड़ताल हमारे एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। तो अपने सारा काम छोड़ रखे जी? हाँ जी, हम अपने सारे काम धंधे बंद करके हड़ताल में उतर रहे। पूरे डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी, पूरा जिला फतेहाबाद। क्या नाम है? शीला है जी, आशा वर्कर यूनियन फतेहाबाद की, जिला फतेहाबाद।